हे गाइस, गुड आफ्टरनून। करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो गाइस, काकू फैमिली ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और बस हम जाने की कर रहे हैं तैयारी। डॉली जी इधर आ जाओ, हवेली में आ जाओ पहले। एक मिनट जी, आ रही हूं। तो गाइस अब हम जा रहे हैं। डॉली क्या क्या लेकर आएगी? हाँ, क्या क्या लेने जा रहे हैं भाई साहब, बताओ। हम बहुत कुछ लेने जा रहे हैं, सोच के तो जा रहे हैं, देखते क्या क्या लेते हैं, जो आप दिलवा दो। तो गाइस बस जा रहे हैं, थोड़ा सा काम है। क्या कहते हैं, कोई रेस्टोरेंट है वहां पर जाना है, वो पार्टी हॉल है, पार्टी के लिए पूछने जाना था और सामान सामान लेने जाना है, सामान सामान लेके जाना था और कुछ गिफ्ट देना है भाभियों को, वो भी लेने जाना था। फ्रंटियर के बिस्कुट भी लेने जाना है। तो गाइज बहुत सारे काम है और टाइम इस टाइम हो चुका है तकरीबन ये मान के चलो 4:30 के आसपास हो चुका है। काकू अभी ट्यूशन से आने वाला है, काकू ट्यूशन से आया नहीं है, काकू का वेट कर रहे हैं, ट्यूशन से आएगा और फटाफट निकल जाएंगे हम। और बस निकलने की कर रहे हैं तैयारी। और क्या क्या चीजें लेके आते हैं आपको मैं दिखाऊंगा। इंतजार कर रहे हैं बस, उसके बाद जाएंगे। काकू ट्यूशन गया हुआ है और आने की कर रहे तैयारी है। और क्या कहते हैं, अगर चले गए तो पीछे से वो रो के पागल हो जाए, पता नहीं मम्मी पापा कहाँ चले गए मुझे छोड़ के। अब डॉली कह रही फटाफट कितने सारे पैसे भर लो, मेरे को जो जो चीजें पसंद आती है वो सारी शॉपिंग करनी, वो सारी शॉप मतलब जाएंगे तो जाएंगे नहीं, अगर जाएंगे तो भैया सब कुछ लेकर आएंगे। सामान देने लेने का भी है कुछ, वो भी तो देना जरूरी है। गिफ्ट आते तो गिफ्ट देने भी पड़ेंगे गाइस। तो बस अभी चलते हैं। बरानी या यानू तीनों आराम से बैठे हुए। इसकी ड्रेस तो बड़ी प्यारी है तुबा की। बहुत सुंदर है, परी लग रही है, परी कितनी प्यारी लग रही है ना। दुबक कब आएगी? सबसे पहले सबसे पहले मैं आऊंगा, हम जरूर आ रहे हैं। बस भर के आएंगे। नहीं भाभी अपनी बस लेके जा रही है, वो ही वाली जो तुम्हारे पास है। तो अपनी बस भेज दो मारे। ठीक है ना, मम्मी है। चलो ठीक है, फिर आ जाऊंगी मैं 12 को आऊंगी। ठीक है, हम 12 को ही आ रहे हैं सारे सारे। इनसे पूछती हूँ कौन आ रहे हैं। हम आ रहे हैं इस बार तो। ठीक है, इस बार नहीं छोड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, इनवाइट किया है, कार्ड आ गया, इनविटेशन कार्ड आ गया, लोडी के बिल्कुल आ गए हैं। चलो बस भर के इस बार तो चलते ही है। नहीं बस भर के चलो भाई, भाभी जी ले चलना हम सबको। तो गाइस इनविटेशन आ चुका है, हम तीनों तैयार हो गए जाने के लिए, पूरा वैन भर के चंडीगढ़ की टूर भाभी के साथ। सर भाभी हमें रेंगती ले जाएगी जैसे मर्जी। मैं पूछ रही हूँ तुम्हारा क्यों, क्या प्रोग्राम है बताओ। मैं वही बोल रही थी, मैं सार्थक के पेपर चल रहे, 15 को खत्म होगा, बाकी देखते हैं कैसे देखते कैसे भी हिसाब किताब बनता है। पहले अब जाए तो सही, इतनी देर हो गई, इसको कह रहे हो चलने के लिए, सामान लेकर आना है, बहुत सारा काम कर रहे हैं आज। टाइम देख लो कितना, नहीं बस जा रहे हैं आपके काम के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले आपका काम, काम है आपका, और शत्रु का काम करना है, सारे बहुत सारे काम है। दो भी बताती हूँ, दो काम है आपका, दो काम है आपके सारे। और यहाँ पर हुआ था ना फंक्शन, तो लाइटिंग वगैरह चालू नहीं हुई है ना, लाइटिंग वगैरह ऊपर बना हुआ पार्टी हॉल इनका है ना, अच्छा बना हुआ है अभी तो। ये बोला ना, अभी करते हैं बात बात करते हैं भैया से। ठीक है ना, हाँ जी बिल्कुल। काकू जा रहा है देखने के लिए, छानबीन करने जा रहा हूँ। पहले ऐसा था, वैसे कैसे हो गया, पहले चेंज हो गया। जो आराम से डिनर आपका लगने वाला है। हाँ बिल्कुल। और वो गाइस किसी का हो भी रहा है, बर्थडे का फंक्शन हो रहा है यहाँ पर, बर्थडे का फंक्शन हो भी रहा है शाम को। हाँ जी बिल्कुल। क्या खाना है अब आपने, जो आप खिलाओगे? आपने क्या खाना है, बस जो आप खिलाओगे। अभी मेन्यू लेके आओ, ऑर्डर दे दो, खानो कुछ खाने। तो फंक्शन चल रही है वैसे, एक बारी वीडियो बना लेते ठीक है ना। नहीं नहीं आज हो जाएगी ना, 70-80 बंदों की आराम से हो जाएगी यहाँ पर। नहीं नहीं सही है यार, काफ़ी बड़ा बना हुआ है। ठीक है डॉली, सही है हवाल तो सही है, बड़े बड़े ना। बस ठीक है, पूरा बना के भाई को भेज दो ना। तो मैं पूरी भेज, पहले नीचे कर गया था हमने फंक्शन जो किया था, यहीं पे नीचे किया था फर्स्ट सेकंड बर्थडे पे उसका। तो गाइस अब आ गए हैं कंबल देखने के लिए। है हाँ सही है, हैवी अच्छा लग रहा है, डिजाइन अच्छा लग रहा है ये वाला कम्बल का, ये वाला अच्छा लग रहा है डॉली, ये वाला डिजाइन पूरा खोलियो। हाँ ये प्रॉपर अच्छा लग रहा है, एकदम डिजाइन अच्छा लग रहा है ये वाला।
गाइस हमने भाभी जी को भी दे दिया है, डॉली ने और ललिता भाभी ने दे दिया। ये ललिता भाभी और मेरी तरफ से ना, ललिता भाभी नीचे भाभी मैं ऊपर ही ले दी। गाइस देखो सेम चीज लेकर है, सेम चीज दी है हमने। दोनों बहुत प्यारे कलर है, ये खोल लो। हाँ खोल दी, खोल दी। दोनों बिछाएंगे अपने आप, दिखाते रहेंगे। ये अच्छी लग रही बाकू। गाइस ये रहा भाभी डॉली की तरफ से, वेलकम। फिर दोबारा और गिफ्ट मटर आएगा, जन्मदिन सालगिरह भी देंगे। हाँ जी भाई साहब, बिस्कुट ये खानी है, कौन सी कैनबारी वाली? हाँ। अभी 5 मिनट रुक जाओ, भोग लगने दो भगवान जी को। गाइस नई वाली बिन्नी मैंने डाल ली है, और मेरे पास अभी कमेंट्स पड़ रहा था, बैठा हुआ था फ्री होकर ना। पहले तो मैं ये देख रहा था, ये जो मेन्यू मिली है ना, क्या क्या डिसाइड करनी है, डिश वगैरह डिसाइड करनी है, और ये दोनों है डिसाइड करनी है मेन्यू के अंदर। तो क्या कहते हैं, कह रहे थे जीजा जी आप एक बार देख लो, और अब सैटरडे जाएंगे फाइनल करके आएंगे। तो कह रहे थे जीजा जी आप जाके घर पे देख लो आराम से, कौन कौन सी चीज़ें डिसाइड करने क्या नहीं है, तो फिर करके मैं आपसे करूँगा बात। अभी तो वो इस टाइम सऊदी के अंदर, टाइम कितना काकू, कितना बजे टाइम हुआ था? मामा कह रहे थे 7:30 बजे होंगे, यहाँ पे 10 बज गए ना, 7:30 बजे होंगे, 2.5 घंटे पीछे है। तो बस गाइज, और क्या कहते हैं, मेरे पास अभी किसी सब्सक्राइबर का कमेंट्स भी आया था, और वो कह रहे थे चाय का भोग नहीं लगाते, आपने चाय का भोग कर लगाया, वो तामसिक होती है, मुझे इस चीज़ का पता नहीं था, तो आगे से मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगा गाइस। और बस अब काम कुम कर लिया है, डॉली बनाने लगी है, अब डिनर वगैरह करते हैं। एक ये वाली बिन्नी भी ली थी, मैंने कहा डाल लेता हूँ, बाकी एक डॉली ने ली थी, एक काकू ने मफलर लिया था, नहीं ग्लव्स लिए हैं, साथ का मफलर लिया है, और एक कान वाली पट्टी ली है, कैप ली है, हाँ इतनी सारी चीजें हमने ली है 550 रुपीज के अंदर। हाँ। एक अच्छा आंटी जी को वो भी तो दिए थे ना, हाँ, ग्लव्स भी 100 रुपीज के वो थे ना। हाँ तो गाइज ये चीजें सारी ली थी, और एक बस एक बैठे हुए थे, एक माता जी आ गए, बुजुर्ग थे, तो डॉली को कह रहे थे ग्लव्स दिलवा दो। डॉली कह रही कोई बात नहीं आंटी जी, आप ले लो ग्लव्स ले लो। तो ग्लव्स डॉली ने दिलवा दिए थे, उन्होंने उस टाइम उन्होंने डाल लिए थे। देखो अगर किसी का भला हो जाए, बड़ी मम्मा ने हलवा दिया है, चलो अच्छी बात है खाएंगे। तो गाइस ये बन रही है मक्की की रोटी और मेथी वाली। डॉली ने आटा गूंद के रख दिया बढ़िया सा, एकदम फर्स्ट क्लास सा, और बनाई जा रही है देसी घी में बन रही है। हाँ। बढ़िया मस्त। गाइस पापा कर रहे हैं डिनर, मक्की की रोटी है, और साथ में मलाई है, और मम्मा ने साग क्यों नहीं बनाया? मक्की की रोटी मेथी के साथ में ऐसी मलाई के साथ अच्छी लगती है। अच्छा तो साग मम्मा को बोलो बनाएगी। मम्मी को बोल के मम्मी रोटी बना रही है, तुम भी खा लो फटाफट जल्दी जल्दी। ठीक है, यहाँ पे बन रही है गर्मा गर्म मक्की और मेथी की रोटी, और मम्मा यहाँ पे इस पे रख के बना रही है। देखो भाई, मम्मा अपने वो क्यों नहीं बनाया साग? साग क्योंकि अभी तुमने वो इधर करो, अपना दिख नहीं रही, कल ही तो खाया साग। हाँ तो आप भी बनाओ, मैं बाद में बनाऊंगी ना, दूध उबल चुका है और भूख लगा दी हमने। हाँ। अभी रोटी बन रही है, मम्मा मेरे को भी दे दो एक, ठीक है? तू भी लेगा? हाँ। अच्छा भी नहीं खा रहा था? नहीं मैं खाऊंगा, ठीक है। तो गाइस ये बना रही है डॉली आलू मेथी की सब्जी बढ़िया सी, और ये काकू की बड़ी फेवरेट है, और मक्की का आटा क्या क्या चीजें डाली इसमें? कुछ नहीं, बेसिक बस नमक मिर्च हल्दी और कुछ फालतू नहीं डाला मैंने इसमें, कुछ फालतू अच्छी नहीं लगी इसका, वही टेस्ट अच्छा लगता है। और किसमें बनाई है? सरसों के तेल में, इसको अच्छी तरह गर्म करके धुआं निकाल के उसकी। तो गाइस सरसों के तेल को अच्छी तरह से गरम कर लिया, धुआं निकाल दिया, उसके बाद डॉली ने डाल दी मेथी, उसके बाद फिर हाँ मैंने मेथी डाल के मेथी को थोड़ा थोड़ा भून लिया, फिर आलू काट के फिर आलू डाले। अच्छा मेथी भून लिया, बिल्कुल करारी बन जाते ना उसमें, वैसे कट्ठे डालो तो कच्चे कच्चे रहते मेथी, अब देखो मेथी बिल्कुल प्रॉपर मस्त बन जाती है। हाँ मेथी का फ्लेवर इसमें कम हो गया ना मेथी, क्योंकि मैंने उसमें आटा डाल दिया ना, आटा में इसमें आटे गूंथ के ये अच्छी लगेगी वैसे इसके साथ। काकू कह तो रहे सुबह सुबह मेरे लिए बना दिया, आप मुझे परांठा दे दो, मैं परांठा नहीं रोटी का ले जाऊ, आके गरम गरम परांठा खाइयो तो फायदा है, फिर बनाने ठंडे हो जाता है बच्चा खाने। तो गाइस ये व्हाइट मक्खन के साथ खाने का मजा है, व्हाइट मक्खन भी निकालेंगे। एक्चुअली मलाई पड़ी थी, मैंने मलाई के साथ ही खा लिया था, और मगर ये जो टेस्ट बनता है ना, इसका टाइम नहीं मिला था असल में, हम तो तिलन से लेट हो गए थे आते आते, तो बहुत सारी शॉपिंग की थी, बहुत सारी शॉपिंग की है सही में। तो स्कॉट भी सार्थक चैनल में आप देख लेना क्या क्या चीजें शॉपिंग किया, मगर और डॉली की ड्रेस ने ना सबको हिला दिया,
एक ड्रेस लेके आया डॉली ने और सबने ड्रेस डाली है। सर चीना को तो बहुत ही पसंद आई, चीना को भी पसंद आई है वो ड्रेस। और क्या कहते हैं चाची मेरे लिए ला दो, मैं कोई बात तू पहन ले, मैं तेरे लिए ढूंढ के फिर भी बोल दूंगी भैया को यहाँ से लाई और वो दोबारा मंगा दे। नहीं वो कह रहे थे भैया, कह रहे थे मुझे वो क्या कहते हैं चीना कह रही थी, कहती आप चाचू मैं आ जाऊंगी फटाफट आ जाऊंगी, आप मेरे को दिलवा देना कल। मैंने कहा ठीक है आ जाएगी, शॉप पर आ जाएगी या वहाँ पहुंच जाएगी, मैं कॉल कर दूंगा। वो उस टाइम नहीं था ना जिस टाइम हमने लिया, उस टाइम नहीं था, उस टाइम ला देंगे ना, उस टाइम भी नहीं था ना। बाकी मैं उसके वेन्यू जो देख कर आए थे, बैंकेट हॉल देख कर आए थे, मैंने उसको शत्रु को फोन किया था अभी, तो अब भाभी को बोल दिया था, वो कॉल आ गया था अभी अभी ऑफिस से आया था सऊदी, वहाँ पे तो 8:30 बजे थे उस वक्त जब मैंने कॉल किया था, 10 बजे किया था वहाँ पे 8:30 बजे थे, कहता जी मैं अभी अभी ऑफिस आया हूँ, तो बात हो गई है, कह रहा आप देख लो, वो मुझे नहीं पता, एक बार आप मधु से पूछ लो और आप देख लो करना आप लोगों ने डिसाइड है, मैं तो बस यहाँ से अपना टाइम टाइम से पूरा पूरा बिल्कुल पूरे टाइम टाइम कहता जो सारी तैयारी रखेंगे, तो मेहमान बन गए सर, हाँ हम तैयारी करेंगे, कोई बात नहीं है, सारी तैयारी करनी पड़ती है, हर किसी की तैयारी करनी पड़ती है, ऑफिस वगैरह ना तो हम लोग बैठे हैं तो काम इतना तो हो ही सकता है। हाँ वैसे क्या कहते हैं ना, उसने जो दिया है ना वेज के अंदर 6 स्टार्टर्स दिए हैं, चिली पनीर, चिली मशरूम, पटाटो, स्प्रिंग रोल, मोमोज वगैरह ये दिए हैं, और सूप है, कोल्ड ड्रिंक है, मॉकटेल है, और शाही पनीर है, दाल मखनी है, छोले हैं, वेज चाप है, नवरत्न कौरमा है, कितनी सारी वेराइटी है, और मेन्यू में ही पता चल जाएगा, डिसाइड करेंगे वो सारे। हाँ कह रहे पूरी लिस्ट दे दी थी उसने, कह रहा इसमें से आप डिसाइड करके ना बता देना जो तो जो हमें रखवाना हम वो रखवाएंगे ना सारे, वो तो बंदे खाते भी नहीं है। हाँ जो जो चीज मैं वही कहूंगा उसको बोलूंगा, जो चीज स्टार्टर पहले खा लो तो फिर मेन कोर्स इतना कोई खाता भी नहीं है। हाँ वो स्टार्टर से ही पेट भर जाता है यार, स्टार्टर से स्नैक्स वगैरह से बच्चों को, छोटे बच्चे सारे भाभी भैया के बच्चे छोटे छोटे, तो उनको तो वैसे भी ऐसी चीजें बच्चों को बड़ा पसंद आती है, चिली पटाटो चाउमीन स्नैक्स ही में ही पागल होते बच्चे। तो गाइस फाइनली हमने तैयारी कर लिया चंडीगढ़ जाने की, डॉली कह रही मैं तो जाऊंगी, मैंने कहा भैया मैं भी जाऊंगा, फिर काकू भी जाएगा और हम सब डॉली जा जाएगी, पीछे पीछे पूंछ बन के जाएगा, ऐसे नहीं जाएंगे ये। काकू कह रहे मैं भी जाऊंगा और मैं छुट्टी कर लूंगा, ठीक है पहला फंक्शन है और जाना जरूरी है उसका हमारा, तो हम पहला लोहड़ी का फंक्शन है। हाँ पहले लोहड़ी का फंक्शन तो हो चुके हैं, और गाइस देखो अब कौन कौन जाता है कैसे जाता है, तो एक बारी आप ही बता देना कमेंट्स करके, और ठीक है तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने काकू फैमिली ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से जल्दी जाइए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।